ये देखें जी इस माइक का काम, दाढ़ी चाटी की घंटा हो गया देख रही है ये। पता नहीं इधर से क्यों इसके चीख कैसे चमक रहे हैं और क्या करके आया। ये क्या हुआ भाई? क्या हुआ? ये कौन सा बच्चा है? क्या हुआ बच्चे? मैं जो चौधरी साहब आप मैंने भी यही सोचा। ओए होए भाई साहब, ये देखें आप, ये नरान कगान कश्मीर। हाँ जी, क्या हुआ है? वो कुछ नहीं हुआ, बैठे हैं जल्दी करें। अस्सलाम वालेकुम। ए जी ओ जी, लो जी सुनो जी, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? ठीक है, खैरियत से हैं, खुश हैं? आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरा। अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा तो डोंट वरी, जेबी और कुकिंग विद मी आ चुके हैं एक नए मज़ेदार अमेजिंग व्लॉग के साथ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी हम व्लॉग लगाएं आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि न्यू व्लॉग आ चुका है। तो आप लोग सोच रहे होंगे यार क्या डिफरेंस है, कुछ अलग अलग लग रहे हैं जेबी में। भाई आपके भाई का आज सुबह सुबह दिल किया, सुबह सुबह उठा मैंने, अपनी पुरानी कुछ वीडियोज देख रहा था तो सुबह सुबह उठा मैंने, दिल किया के ब्रो तूने वेट तो थोड़ा सा कम कर लिया है, 5-6 किलो कम कर लिया है, अब तू थोड़ी सी बियर्ड नीचे कर ले ताकि और मोटिवेशन आए वेट कम करने की। तो अभी ऊपर चलते हैं, किसी को भी नहीं पता घर में, यकीन मानो अभी मैं ऊपर आ रहा हूँ, किसी को भी नहीं पता। फर्स्ट एंड रियल 100% रियल रिएक्शन क्या होगा, नोटिस भी करते हैं या नहीं करते हैं? आई थिंक इधर से बंद है, खैर नीचे से चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, क्या हाल चाल हैं? कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आज पढ़ी तो खटकाया तो फिर मैंने खोला तो अभी आई नहीं होगी। घर में सब खैरियत, सब कुशल मंगल? तू सुते हैं, मैं तो कुशल मंगल ही रहूं। फसाद की जड़? मैं फसाद की जड़? नहीं तू खुद का है। और कुछ? हाँ। क्या क्या दाढ़ी चोटी की घंटा हो गया देख रही है ये। पता नहीं इधर से क्यों इसके चीख कैसे चमक रहे हैं और क्या करके आया। मैंने कहा नहा क्या गजब बेइज्जती है, कसम से मैं ये समझ रही थी नहा के आया है, क्या किया इसने। मैं कहा दाढ़ी छोटी कर ली। अच्छा ये जगह मुझे चमकती और साफ साफ है, गौर कर रही थी ऐसे, मैं देख रहा हूँ गौर कर रही है और कुछ भी। मैंने कहा ना है आज लगता है इसलिए ग्लो कर रहे हैं। नहीं ग्लो तो हम वैसे ही करते हैं, पानी जो पीते हैं माशा। मैंने कहा साल एक पहले वाला जेबी वापस, दो एक साल पहले दाढ़ी ज्यादा हो गई थी, फुर्ती वाला ऐसे रोलों वाला शोर मचाता हुआ जिधर से आता बच्चा बच्चा लगने लग जाता हूँ। वो क्या कहा था डॉक्टर साहब ने जब वो फेशियल करवाया था, वो तो कह रहे आप अपनी उम्र से 20 साल पीछे चले गए। दाढ़ी के साथ बड़ा बड़ा लगता हूँ इस तरह छोटा। मेरी बात सुन, ब्लॉग सुबह से शुरू हुआ है। क्या हुआ जी? लोग कहते हैं आंटी बड़ा अच्छा व्लॉग करती है। तुझे कुछ चेंज नजर आया घर में? घर में सफाई हुई है, वो तो रोज ही होती है। और चेंज 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 मतलब कुछ साफ साफ नजर नहीं। चेंज ऐसा क्या ये साफ किया? तीन घंटे हाँ मैंने टेबल पे चढ़ के वीडियो बनाई, सारे एक टिश्यू लेके वो दूसरा वाला साफ किया, लेकिन अभी उतना उस तरह साफ नहीं हुआ। ये चीज़ें डरते डरते कि ये गिर जाते हैं ना इसके, तो मैंने कहा दिल चाहे साफ करते ऊपर से गड़ाम नीचे हो तो फिर मेरी सख्ती आ जानी। तुझे चैन नहीं है ये नहीं। देखिए आपके तरह नहीं, मैंने फौरन नोटिस कर लिया क्या चेंज हुआ। साफ नजर जो आ रहा है ऐसे, इधर देखो ना इधर खड़े होके तो चमक रहे हैं, चमक रहे हैं। नहीं तो इतने टिश्यू मैंने निकाले मिट्टी वाले, इससे जो कहते हैं हम मिट्टी नहीं पड़ती जी, ऐसे ही होता है, माओं को रोला होता है, माएँ सही कहती हैं। तो भाई आप लोग नीचे कमेंट्स में बताओ पहली वाली लुक अच्छी है या ये अच्छी? ये अच्छी है, ये प्यारी है, ये प्यारी है। हाँ ये प्यारी है, यंग यंग सा उसमें तो जो है ना ऐसे हो गया था, अब दाढ़ी बड़ी और जैसे बाज दफा जरा सा परेशान होता है, लगता है हीरो को गम मिला हुआ है कुछ। हीरो को गम मिला हुआ क्या किया ये?
ये क्या की? ये जो गाल चमक रहे हैं उन पे की है माशाल्लाह। लोग कहते हैं गाल आपके और मेरे एक जैसी माशाल्लाह। अभी वेट और कम करने नजर 5-1 किलो कम हुए। मैं कहा चलो दाढ़ी नीचे कर लेते हैं। बाल तेरे कर ना हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन कर लो जाते हैं ना। मेरे बाल बड़े कर लिए। मैं गई पाकिस्तान, जब भी मुझे लेने आया ये और इसका दोस्त आगे से, जो भी इतने बड़े बड़े बाल, कर्ल, गंदा काला स्या हुआ और गंदे बाल ऐसे लग रहे थे, मतलब कर्ल हो के वो अजीब से ब्राउन हो जाते हैं इसके। एक उसने इसने बीच में उनके डाई भी कराया। मैंने तो सलाम दो, मैंने कहा तुझे क्या ये क्या बगैरती की हुई है। कोई 2-3 दिन रोला रहा है, हमारी लड़ाई रही, तीसरे चौथे दिन बाल कटवा ही दिए मैंने। शायद मेरे पास वीडियो है, मैं देखता हूँ, अगर मिली तो मैं बीच में डाल दूंगा। मैं बाहर निकली, मैंने कहा जाहिर है अपना बच्चा जिस हालत में भी हो, ये नहीं बाल बड़े हैं या कुछ पहचानेंगी माँ नहीं। मैंने पहचान तो लिया, मैंने मिली इसे, पर मैं बड़ी वो उसमें मिली कि क्या गया तूने गंदा उलिया बनाया हुआ है। फिर गाड़ी में बैठे, मैंने गाड़ी में भी इसे 2-3 दफ़ा कहा, इसका दोस्त कहते हैं पता चला अब आंटी आ गई है। फिर मैंने 2-3 दिन मैंने कहा जे भी इंसानों की तरह अच्छे बाल रख, ये कटवा लोफर आवारा लगता है तू, ऐसे उन्होंने बाल डाए हुए। मैंने कहा बगैर तो दो लगाऊंगे। मैं वो वीडियो बीच में डालूंगा अगर मिल गई तो, मिल गई तो डाल। अब चलते हैं, चल के ये पहले टिश्यू गीला इसे बाहर रख फेंक के आते हैं बास्केट में, फिर पढ़ते हैं नमाज। ये देखा ये पूल में कह रही थी थोड़े थोड़े से गिरते हैं ऐसे ना, अभी धूप है ना नज़र नहीं आ रहा, उड़ के जाते तो हैं फिर क्या करें। लोगों के इतने गंदे लोग परवाह भी नहीं करते, हमें ही टेंशन आती है। ये जो मैंने वो मोतिया और वो लगाया था लेकिन वो चल नहीं रहा। चलो देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, क्या देखते हैं। इस फूल का है ना, पौधे का, मुझे ना जब ये साल में एक दफ़ा फूल निकलते हैं ऐसे, लेकिन ये इसका बड़ा गंद होता है। कुछ दिनों में ना ये गंद सा बन जाता है, पत्ते ही रहते हैं। ऐसे ही ले लिया था उस वक्त, अच्छा लगा, जब फूल शूल निकलते हैं सारा ठीक हो जाता है। आप देखें धन क्यों डाल रहे हैं, नहीं डाला तो मिट्टी तो नहीं खुश हुई। ये देखें जी जो रोज़ आप लाइट क्यों नहीं आने। अच्छा मैंने क्या किया है कि कल इसकी बेडशीट चेंज की ना, अच्छा गिरा भी खुल गई है चारों तरफ ना। मैं अब क्या करती हूँ, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था जो मतलब लोगों की बेडशीटें, हालांकि भारी मोटी बेडशीट है ये नहीं है, गिरा लगा के ना इस तरफ चारों कोनों में तो गद्दे के नीचे दें। अच्छा उधर से भी निकल गई है, उधर से निकली है और इधर से निकली हुई थी। कई बंदे सोए सोए गिरे भी खोल देते हैं, इतनी जोर जोर से साइड बदलता है, क्या करता है जोर से, क्या भाई जोर जमाई करते हैं साइड बदलते। बाज लोगों की ना मेरे बिस्तर की चादर अपनी जगह से हिलती भी नहीं, कि चौधरी साहब भी मतलब इतने आराम से सोते हैं कि कोई कभी नहीं, ना हमजा के जमाल के कमरे की बेडशीट हुई है ना बेटियों की, इसकी बेडशीट मैंने जो अपने वाला ना तरीका कर दिया। नीचे पहले मैंने दूसरी बेडशीट कंबल डालती थी कि मोटा हो, फिर भी वो सही टाइट करके ना फंसा के गद्दे में तो फिर भी इसकी बेडशीट निकल जाती है। जिसके पास इसका कोई हल हो ना, ये गिरे तो मैंने लगाई हुई है, ये देखे ना, ये दे के ऐसे नीचे करती हूँ फिर भी निकल आती है। जिसके पास ऐसा कोई नुस्खा हो ना जो किसी ने आजमाया हो, जिसका बच्चा ऐसे करता हो, वो बताना मुझे। हमजा मैंने कहा लोग तो नहीं, मैंने कहा लोग कहते हैं गिरा लगा के करो तो फिर बाहर नहीं निकलती, कौन सी गिरा लगाओ के ना निकले, क्या करें, करता क्या इतनी क्या खे सोते है, मुझे नहीं पता फिर मैं क्या करता हूँ। खोतू की तरह सोता है, टांगे मार मार के उसको, एक सराहने की तरफ से तो गिरा भी खुल गई। अब बेडशीट और आपका वो तो खराब होनी है ना, किसी की भी नहीं होती सिर्फ तेरी होती है। हालांकि सारे पतली बेडशीट भी नहीं, मोटी बेडशीट है, मतलब वो नहीं है कि पतली सी है उड़ती फिरे, सारे साइडों से अंदर तो नहीं है, सारे ही से मैंने चारों तरफ गिरा लगा के सही टाइट अंदर करती हूँ फिर भी नहीं निकल आती है। अभी मैंने कहा सारे बताओ कोई नुस्खा किसी के पास इसका हल है तो फिर। जे भी तो अभी तक सो के नहीं उठा, 2 बज गए, वो वैसे भी लेट ही उठता है, फिर कहेगा मार फोन, मैं उसमें यही कहती है
कि उठा नहीं, धूप भी निकली हुई है, हवा इतनी ठंडी है। मैंने अभी इधर टेरेस पे बैठ के ना नाश्ता किया पहले सुबह, तो नाश्ता करने के बाद फिर मैंने इधर ही बैठी थी, तो मैंने कहा चलो चाय भी साथ, एक सपारा पड़ा, सपारा भी इधर ही अभी पढ़ के उठी हूँ। और इतनी ठंडी हवा है, ऐसे कंधे दुखने लग गए हैं। मतलब हम लोग भी कितने नाशुक्रे हैं ना, कि जब सर्दी आती है तो तब भी हम बोलते हैं, गर्मी होती है तो हम कहते हैं बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। जब ज़रा सी ठंडी हवा चलती है तो हमें ये होता है कि हम फटोफट जी, हमें ठंड लगने लग जाती है। धूप देखें कितनी निकली हुई है, कि मौसम तो बड़ा अच्छा है, ना सर्दी है ना गर्मी है, लेकिन अब सर्दियाँ आ गई बाहर शायद। अच्छा, गर्मियों में मैं नाश्ता करती हूँ इधर बैठ के, सर्दियों में इतनी सर्दी होती है कि इधर बैठने नहीं आता। यही रोले हैं, ये इसमें धनिया लगाया था, धनिया तो हुआ नहीं, तो वो गंद हो गया सारा। अब मैं सोच रही थी इस बेल में ना ये पौधा निकाल के ना इस तरफ जो है ये निकाल के इधर, वो जैसे पुदीना लगा हुआ है ना, धनिया दो तीन दफ़ा लगाया, पता नहीं क्यों नहीं होता, धनिया नहीं होता इतना। जब होता है तो ऐसे ही लंबा सा और बेसुरा सा निकलता है, बीज बीज निकल जाते हैं। भाई कितना गंदा किया हुआ इन्होंने घर, ये भी कहेगा अपना, तो अपने साथ वालों के भी रोले होते हैं ऐसे गंदे। साफ़ हो तो बड़ा है, घर साफ़ रखना तो मुश्किल होता है, लेकिन चलो कोशिश तो करते हैं ना। ये उसने कल रात को इधर ईशा की नमाज़ पढ़ी ना भाई साहब ने, वो उधर ही फिर रख देता है, मैं तो अंदर पढ़ूंगी अभी ज़ोर की, क्योंकि अभी ज़ोर हो गई है, ये पहले अंदर रख के हूँ, अभी सफाइयाँ करनी है, सारे काम करने हैं। हमजा आज घर से काम कर रहा है, उसकी को टिक टाक किचन में लगी हुई है, टिप 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 टिप, कुछ था मैंने कहा कुछ आवाज़ें आ रही हैं तो वो ही हो सकता है, अंदर फोन में आना है। हाँ बोलो ना, सलाम दो, ये टूटी निकालो। अस्सलाम वालेकुम। कान से ज़रा, काम की लगाई हुई नहीं, ब्रेक हुई ऐसी, जब मर्जी लगाऊँ मैं, थोड़ा सा पीछे हो गया। हाँ पीछे बर्तन भी धोने वाले हैं आप, दिखाए ना क्या हाल चाल है बच्चों, बहन भाइयों सबका, सबको रबीउल अव्वल मुबारक हो। आज पाकिस्तान में था, ब्लॉग तो जिस दिन आएगा दो तीन दिन आगे पीछे होते हैं, मसला होता है वो आपको पता है। और अल्लाह पाक इस मुबारक महीने के सदके हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अल्लाह पाक हस्तियों के हसद से, शर से, जादू से, जिन्नात से बचाए, अल्लाह पाक मैं कहती हूँ बुरे लोगों की महफल से भी बचाए, बुराई से बचाए, अल्लाह पाक सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, उसके साथ मेरे बच्चों को भी अल्लाह पाक रखे और खुशियाँ दे, और माँ बाप को अपने बच्चों की खुशियाँ नसीब करे अल्लाह पाक। तो माँ बाप सारी ज़िंदगी ना मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, छोटे से बच्चे को पाल के पढ़ा के, ज़िंदगी में जिस बंदे ने कुछ नहीं ना किया होता वो भी अपने बच्चे बेटा है या बेटी है उसके लिए इतनी मेहनत करता है कि इसको उस जगह पहुंचाऊं, इतना काबिल बनाऊं कि मेरे से ऊपर रहे। तो इसलिए अल्लाह पाक सब माँ बाप को अपने बच्चों को खुशियाँ नसीब करे, और मुझे भी मेरे अपने बेटे की खुशियाँ नसीब करे, अल्लाह इसी भी कामयाब शादी करे और सारे बच्चों की खुशियाँ। हाँ जिंदगी में माँ बाप और क्या खुशी नहीं, पढ़ गए हो अल्लाह का शुक्र है, अब जॉब अच्छी है, सारा कुछ है, तो अब यही है ना शादियाँ ही करनी है ना, अल्लाह पाक कामयाब शादी करे और खुशियों वाली हो, साथी वो हो जो इज्जत एहतराम एक दूसरे को दो, ये नहीं वो तुम भी दो, दोनों हो तब भी इज्जत बनती। तो मैंने कहा चलो मैं आज ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैंने किधर से करना, ऐसे शुरू तो हो गया। हाँ अच्छा, आज कोई नहीं जाना उसने काम पे, गाड़ियाँ तीनों घर हैं, खैर है ना। चलो जी देख के आते हैं, वो क्यों नहीं आई अभी तक नीचे, इस वक्त जा अब 2 बजे जाना था आज मेरी बेटी ने जॉब पे, तो अभी तक मैं वही देख रही हूँ, गाड़ी की चाबी तो पड़ी है तो गई क्यों नहीं, अभी उसे जगाती हूँ देखती हूँ कोई होगा छुट्टी का होगा या कोई टाइमिंग का होगा चेंज की होगी।
A few moments later. ये साफ तो हो गया सारा, डस्टिंग भी होगी, मप भी लग गया। अब हमजा कह रहा था जी मच्छर आ रहा है। मैंने कहा भी किचन तो साफ है, हमजा ने अपना लंच बनाया था, वो तो अपना ही बनाता है, चावल बॉयल थे और वो फिश डाल के खाता है। और अब ये है कि एक तो लाइटें उतारनी है, एक हमजा का फुल टाइम हो गया ना, सितंबर शुरू हो गया ना, वो मैं अपना दुपट्टा लूँ और मेरा दिल है आज मैं खुद ही थोड़ा सा ना काम कर लूँ, किसी ने देखा तो फिर रोला तो करेंगे बच्चे। इसको ना, इसको भी साफ करती हूँ और लाइटें भी उतारती हूँ। इधर वो शीशे वाला टिशू है ना, ये वाला ही है। हाँ ये वाला, ये शीशे वाला तो नहीं है, ये बाथरूम वाले। चले पहले ना मैं इधर इसको साफ करने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ फिर कुछ करते हैं। जब कोई आ गया फिर रोला करेंगे, माँ देखो कहाँ छुड़ी हुई है, गिर गई तो ये होगा तो वो होगा। चले जी, उसकी तो तबीयत खराब है, मुझे नहीं पता था उसने छुट्टी कर ली, ऑफिस फोन कर दिया होगा, मैंने कहा शायद लेट जाना है या कुछ होगा। तो अभी सफाइयाँ शुरू की हैं, सफाइयाँ करते हैं इधर से, क्योंकि फिर सारे उठ के आ जाते हैं, तो अभी पहले सफाई कर लें, उसके बाद फिर करके फिर आपसे मिलते हैं। ये भी साहब तो उठते नहीं हैं, लेट उठते हैं, ये सारी बातें वो काट देते हैं, मुझे पता है। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्योंकि ये हमजा ने हाथ मारा है सुबह के, रात को कह रहे मैंने ऐसे ऊपर हाथ किया तो वो लाइटें गिर गई, लगाई इन्होंने ऐसे थी कील, इतना वो लगाया था उस सुस्ती से बेचारे, कील का क्या कसूर है। अब ये तो हमजा भी ना कर ले, खाना खा ले तो फिर है, लटक रही है ये जो रोशनी में आपको नज़र नहीं आ रही होंगी, ये लटक के ना इधर गिर के परी हुई हैं। इस परी को उठाते हैं, हमजा से कहेंगे तो, नहीं तो खुद उठा लेते हैं। आज इसको भी साफ करती हूँ, लैंप को भी, पहले सफाई कर लो फिर मिलती हूँ। ये देखें जी, अब सही साफ हो गया, चमक गया, बिल्कुल साफ हो गया सारा, मतलब नॉर्मल हाथ से लाइटें भी साफ की हैं और सारा, क्योंकि गिर ना जाइए। देखें कितने टिश्यू गंदे हुए ये सारे, ये देखें कितने, ये कोई थोड़ी मिट्टी नहीं पड़ी थी। सारे कहते हैं आंटी को वो ऐसे होता है, शौक होता है सफाइयों का, जाहिर है जब माओं को गंदी चीज़ें लगती हैं तो माएँ करती हैं साफ। आए चले जी, इधर से उतर जाते हैं, इधर से उतारनी है लाइट, वो भी उतारती हूँ। लेकिन देखें ना वही दूसरे सब ने कहना उसी तरह ही है भाई, नज़र नहीं ना आता इन्हें मिट्टी गंदी चीज़ें। अभी भी नीचे उतार के करते सही था अभी, लेकिन इस तरफ से ज़्यादा अच्छा हो गया, इधर से थोड़ा सा ठीक ही हुआ है कि मैंने ज़्यादा घुमाया नहीं, ये ना ऊपर से उतर जाए तो फिर मुझे जो सुनने को मिलनी है ना चौधरी साहब से, फिर वो आपको पता है, सबको पता है। ये देखें जी, इस माइक का काम पुठे टाइम पे, पुठा टाइम क्या है, मैंने तो खुद कर रही हूँ, मैंने कहा किसी को कहने इतनी मेहनत तो किसी ने कोई, मैं वो डर डर के कर रही हूँ कोई खराब ना हो जाए, फिर माई पे आ जाना है सारा कुछ, ध्यान नहीं हो रहा। ये टेबल पे चढ़ी हुई डाइनिंग टेबल, ये देख कितनी मिट्टी है डाइनिंग टेबल पे, मैं तो कुर्सी पर चढ़ जाती हूँ तो मेरी ये तो टेबल है, सारा साफ कर लूँ। मैंने पहले अपनी वीडियो बनाई थी, मैंने कहा साफ करने लगी हूँ, अभी बच्चे किसी को पता नहीं है तो उन्होंने रोला कर लिया जी। हमजा ने भी लंच कर लिया, मैंने तो नाश्ता किया अभी, दूसरे दोनों बाप बेटा नहीं उठे, ये रात को नहीं धोई थी कढ़ाई चावलों वाली, तो चाय वाले बर्तन है इन्हें धोते हैं। भाई देखिए हमारी कितनी अच्छी लगी है, जीजी की बात है कि फूल फिर निकल आए माशाल्लाह, जैसे ही निकलते हैं फिर गंद भी डलता है, कोई बात नहीं, ये शौक की वो पंजाबी च है ना, शौक दियाँ फिर सौखियाँ तो नहीं ना गल्ला होंदियाँ, शौक पूरे करने के लिए फिर कुछ मेहनतें तो करनी पड़ती हैं। फूल गिरते हैं बार बार हवा से नीचे, देखें अभी मैंने सुबह साफ किए थे फिर गिरे हुए हैं, शाम को एक दफ़ा फिर उठा देते हैं, कौन सा इतना मशक्क़त वाला काम है।
इतना काम कोई नहीं होता जो काम करते हैं। अब ये बर्तन धोते हैं, डिशवाशर नहीं चलाएंगे अभी, बर्तन थोड़े हैं शाम में चलाएंगे, तो ये धो के कढ़ाई रख देंगे। आज सालन मुझे लगता नहीं है, पता नहीं शाम तक किसी का मूड हुआ तो दो सालन भी बने हुए हैं। चिकन है, एक दाल है, बैंगन है, तीन है, तो चावल भी बॉयल हैं। चावलों का ही रोला होता है कि हमजा और जमाल दोनों खाते हैं, वो रोटी नहीं खाते ना, तो वो चावल ही दोपहर में, शाम में या दोपहर में जो भी, सुबह तो जो भी अंडा और ब्रेड लेता है तो शाम में ही वो खाता है, वो एक टाइम ही खाता है हमजा, लेकिन उसने फिश वगैरह दूसरी वो रखी होती है अपनी, पता नहीं ख़त्म होगी उसके यहाँ से, मैं दिखाऊँ वो छोटी छोटी पैकेट वाली जो होती है डिब्बी वाली, इधर तो नहीं है कहीं। तो अब ये बर्तन धोते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ते हैं, इतने में जेबी भी उठ के आ जाएगा। चौधरी साहब तो 4-5 बजे उठते हैं, वो ज़रा लेट उठते हैं, तो पहले बर्तन धोएं फिर उसके बाद, बर्तन तो इतने ये धो के रख लो ना, फिर मुझे टेंशन रहती है, मैं इसीलिए रात को सारे धो देती हूँ। लेकिन वो रात को ये लोग लेट थे, फिर मैंने कहा चावल ठंडे हो जाएंगे बाहर रखूँगी, तो मैंने हल्के रख दिए थे कि जब आएँगे तो चूल्हा ऑन कर दूँगी। फिर आए हैं, खाए हैं, तो उस वक्त फिर मैंने धोए नहीं कि शोर होगा, लेट थे। ये जेबी का नाश्ता बन गया, अंडे बनाए और ब्रेड गरम कर रही हूँ, तो साथ ये दो बॉयल एग रखे हैं बेटी के लिए, उसको गला ख़राब और उसकी तबीयत ख़राब है। चाय रखी है, चाय दोनों के लिए, मैं और हमजा तो पी चुके हैं सुबह से। अब जेबी साहब को बुला बुला के तो थक जाता है बंदा, कि आ जाओ अपना नाश्ता ले लो। कितनी दफा मैंने कहा है जेबी, मुझे फोन पकड़ा दो, मुझे फोन पकड़ा दो, एक बार नहीं आपने मुझे बोला जेबी आके अपना नाश्ता ले लो। आज मेरी बात सुन जेबी, तुझे पता है आज खाला की बर्थडे है, गांव वाली जो खाला है ना, जो पिंडी भी आई थी, हैप्पी बर्थडे खाला। इधर इधर देख के कौन क्या, हाँ जरा सा फोन करना खाला को मुबारक दिन में। लेकिन मैं कहती हूँ कि वो हमारी बहन जो है ना, मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना जो बहनें माँ का दर्जा रखती हैं वो वाला है, बड़ी तीनों बहनों का ही मेरे लिए ना, तीनों को मैं अपनी अम्मी का दर्जा देती हूँ, लेकिन खाला ने अपने बहन भाइयों के लिए इतना कुछ किया, तीनों बहनों ने बड़ी दो। तो मैं तो ये समझती हूँ कि वो मुबारक दिन पे पैदा हुई थी तो अल्लाह पाक ने उसी तरह उनको सारी ज़िंदगी खुशियाँ भी दी हैं, हर चीज़ है, तो अल्लाह पाक आगे भी उन्हें खुशियाँ दे, सेहत दे, ज़िंदगी दे। वो बीमार हुई थी पीछे, तो अल्लाह सब दुआ करना खाला के लिए, रिसेंटली कैंसर से निकल के आई हैं। हाँ आप लोग सब लोग खाला के लिए दुआ करना और उन्हें हैप्पी बर्थडे भी विश करें। तो ये जी आज वकास की अम्मी जो गाँव वाली खाला है ना, उनकी सालगिरह, गाँव वाले ब्लॉग देखे हैं उनको तो, हाँ उन सबको पता है, तो इसलिए सब उनके लिए दुआ भी करें। अल्लाह पाक का शुक्र है अब ठीक है, सेहत में है, तो उन्हें बर्थडे भी विश करें। तो हम जेबी साहब जरा आप भी करो ना खाला को, काबू करें जेबी को, कॉल ही ना उठाए, उठा लेंगे, ये नहीं हो सकता, नमाज का टाइम ना, ना ना कभी भी नमाज का टाइम ना हो, असर का टाइम तो नहीं हुआ पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है खाला? सब ठीक ठाक, आप सुन लगी है? ये मेरी बचपन की लगी हुई। अच्छा, और तभी छुपे ठीक है आपकी? शुक्र है अल्लाह का करम, क्या हुआ? ये कौन सा बच्चा है? क्या हुआ बच्चे? बच्चे तेरे बच्चे, मेरे बच्चे क्या भाई, तुम्हारी तरह तो नहीं है, नहीं है उसमें दाढ़ी तो नहीं रखी हुई ना, उसने आते ही देख लिया, देख लिया, दाढ़ी होनी चाहिए, नहीं हम जाने आते ही देख लिए, मैं इसे देख रही, मैंने कहा
क्या किया है आज, मुंह तो है ना है, बड़ा चमक रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा है। फिर मैं कहते हैं समझता है अभी मैं बच्चा हूँ छोटा सा, जब पहले वाला जेबी था सुखा सा बेचारा, अब देखेंगे बेटा अब वाला भी वही हो जाएगा, महीने की बात है, महीने बाद देखेंगे। महीने से हम यही सुन रहे हैं तो 5-6 किलो कम हुआ है ना, अभी और कम होगा फिर देखना। जो कम होगा 1 किलो 5 किलो अच्छा। अब वजन नोट के ही देखते हैं, वजन नोटिस करते हैं या नहीं करते, क्या लगता है आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से सब कुशल मंगल, घर में सब ठीक है आपके, बीवी बच्चे ठीक है? अच्छा। और कुछ? और क्या सुन लो, और कुछ नई ताजी? मेथरों का पानी पी रहे हैं। किसका पानी पी रहे? मेथरों का, मेथी होती है ना, तो उसके घर वाले का नाम होता है। मैंने क्या कहा? कोई बात नहीं। हाँ मैंने कहा वो 2-3 दिन से कह रहे थे, तो मैंने कहा वो भगोदिया करे, मैं तो पीती हूँ, फिर मुझे मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ मैंने यही कहा था, हमजा सबसे ज़्यादा वैसे जल्दी हर एक बंदे की, कोई आईब्रोज बनवा के आए तब भी कहेगा हे आईब्रोज बनवाए, इतनी जल्दी वो नोट करता है चीज़ को। अब अपनी दुनिया में पता ही नहीं कोई कराया कुछ कराया, हालांकि हमने भी इतना रोला डाला होती है। मच्छर देखो जो तुम्हें काट के गया, ये इधर अभी मैंने गर्दन पे वो देखा बैठ गया, वैसे सूज गया था बाजू भी, फिर वो मैंने लगाया अल्कोहल सा। कौन से मच्छर वाले एरिया में घुसे रहे हो तुम? इधर कह रहे सोफे पे वो एक ही उड़ रहा था जो मैंने मारे, उसने ही तुझे काट 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 के काटे। अभी स्प्रे नीचे वाले घर की भी खत्म हुई है, ऊपर वाले की भी, अब बाहर ठंड होनी है ना, उसने भाग भाग के अंदर आना, तो इसलिए चल मिर्का दोना पे चलते हैं, ब्रेड लानी है। जिंदगी भाई तुम्हारी तबीयत खराब है सुने, देखो तो सही इधर। थोड़ा मोटा था, क्यों शेयर किया तो काफी काम हो गया। मोटिवेशन आपको हमेशा ही वो काम लगता है। मोटिवेशन के लिए ना भाई अभी और मेहनत कर लूंगा, करा नहीं टेंड नहीं करानी, वो मैं पहले कराता था। अभी अच्छा देख लें बच्चे सारे फटोफट लोड करते हैं। आप लोग सब सोच रहे होंगे यार मतलब क्या क्यों क्यों बीएड इसने कम कर दी, तो खैर देखो सीन ये है कि पहली तो बात है यार मुझे लगता है कि विद हैवी बीएड यू लुक अपनी एज से ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये है कि हम लड़के अक्सर अपना मतलब थोड़ा सा वेट गेन हो जाए ना तो बीएड ज़्यादा कर लेते हैं कि यार चलो मुंह पतला लगेगा ये होगा वो होगा, बट आई रियली फील लाइक कि अगर मैं एक टाइम पे इस बीएड में अच्छा लग सकता था तो अब भी दोबारा लग सकता हूँ, अभी भी मैं लग जाऊँगा, एक महीने की बात है। तो दिस इज़ पर्सनली मेरे लिए मोटिवेशन टू गेट बैक इन शेप, अपने आप को दोबारा शेप में लाना, क्योंकि जब आप बीएड में देखते हो आपको लगता है यार ठीक ही हूँ, फिर मतलब जब आप थोड़ा सा ऐसे अपने आप को देखो आपको फील होता है कि यार नहीं थोड़ा सा और वेट कम करना है, तो अभी दिस इज़ बेसिकली मोटिवेशन। बाकी एंड ऑफ द डे जो आपको अच्छा लगता है वो करो, और वैसे भी इतना बुरा तो नहीं लग रहा मैं, क्यों जी बताओ नीचे कमेंट्स में। 2 hours later. भाई out of nowhere. It's raining. और अब्बा जान वॉक पे गए हैं। अम्मी बाहर तो बारिश हो रही है। कसम से भाई बारिश हो रही है। आए यार एक तो मेरे पे मेरी किसी बात पे यकीन ही नहीं है इस घर में। मेरे को घर चेंज करना है। मैं जो चौधरी साहब वॉक पे। मैंने भी यही सोचा। आज अच्छा ये देखिए इधर बादल ही नहीं है, सिर्फ उधर बादल है और ये बादल है। बारिश निकल गए ना, खड़े थे ऐसे करके देख रहे थे, मैं किचन से देख रही थी इनका बादलों के। कॉल करें कॉल। मैं निकलने लगा था ग्रोसरी के लिए मम्मी के साथ क्योंकि कुछ चीजें लानी थी। ओए ये तो तेज हो गई। और अब्बा जी फंस गए, सोच के हंसी आ रही। फिर उधर खड़े गए, हाय अल्लाह बारिश हूं की करा, फिर मैं भिज गया। कॉल करते पूछ लें अगर कहते हैं तो अभी तो क्या मैं गाड़ी ले आता हूँ अंदर ले आता हूँ। नहीं उठा रहे, नहीं जरूरत होगी हमारी, जरूरत होती तो काट भी आगे से। चलो भाई बारिश 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 बारिश
घुमा लो तो उधर ही आ जाते खैर है घुमानी तो है दो तीन बार कॉल किया दो तीन दफा तो अगर जरूरत हुई तो उनको फिर कॉल कर लेंगे। खैर ग्रोसरीज कर लें जो करनी है फिर उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं। चलो मैडम आ गए भाई हम लोग मेरका दोना थोड़ी बहुत ही चीजें लेनी है वैसे नहीं इतनी तो नहीं लेनी इतनी तो नहीं लेनी पाकिस्तान वगैरह में ही होता है बारिश से काम रुक जाता है छुट्टी बाहर स्कूल से कॉलेज यूनिवर्सिटी से लोग कर लेते हैं काम से कर ले इधर तो रोज बारिश है फिर रोज तो नहीं करने देते बारिश वगैरह से कोई काम नहीं रुकता। खैर देखते हैं क्या क्या लेना है जो चीज़ें लेनी है वो ले लेते हैं फिर मिलते हैं। अच्छा भाई हम चीज़ें से ले रहे थे तो अब्बा जान की कॉल आ गई कि भाई आ जाओ मुझे पिक कर लो यहाँ से मैं बारिश में फंस गया हूँ। पहले कर रहे हैं तो उस वक्त उठा नहीं रहे थे टमाटर वो है हाँ हाँ टमाटर बड़े मज़ेदार ये लगे हुए ये किस तरह लगे हैं कितने के हैं 2 किलो 3-30 के बहुत महंगे गए हैं वो किस नॉर्मल किस तरह है 199 के किलो वो ले लेते बात तो वही बन जाती है 2 किलो लेंगे तो 4 किलो बन जाएंगे ये बल्कि सस्ते पड़ रहे हैं बिल करा लें और फिर अब्बू को जाके पिक करें क्योंकि अब्बू बारिश में फंस में इधर आ गए ये खाली हो गए जल्दी से चापर में रखें आपका मियाँ उधर गीला हो रहा है बारिश में वो कॉल पे कॉल कर रहे हैं आज मैं कब आते हैं भाई अब इधर से आगे से काट रहे हाँ नखरा कर रहे थे वही है ना बाज दफ़ा रास नहीं हम दी फिर अगला सारे बच्चे कहते हैं सब भी घर से निकलने से पहले जो 2 दफ़ा कॉल किए अब हमें 4 बार कॉल कर चुके हैं लेके आई हूँ स्प्रे मच्छरों के लिए ये ट्रॉली हम रखें इधर और जाके अब्बा जान को पिक करते हैं लेट हो रहे आगे से वो आके खड़ा होगी वो कहते हैं जब बंदा लेट हो ना अब वो उसके मेरे ख्याल दरवाजे से नहीं गुजर रही गाड़ी वो अंदर से निकाल रही हैं गुस्सा रहे हैं मुझे नहीं पता लो भाई चलते हैं अब उठाते हैं अब्बू जान को कहाँ पे मिलते हैं देखते हैं कि किस पुल पे खड़ा हुआ पहले की है तो जो मेरे फोन की बेल ही बंद है अगर ये दूसरे कोई करे ना बेल बंद या कुछ है तो फिर देखो सख्ती जो आ जाए अब मैंने 3-4 दफ़ा किया नहीं उठाया जब फिर देखा है या क्या किया है तो फिर जो अंदर मार्केट में घुसे हैं तो साथ ही फोन आ गया लेने तो कुछ हुआ 2-4 चीज़ें उठाई हैं वो उधर होंगे कहीं पुल तो इधर नहीं है ना ये देखते ये जो रोड पे जिथे रोड किथे ओ उथे रोड है ये कौन सी रोड है वो मेन रोड है हाँ जी क्या हुआ है वो कुछ नहीं हुआ बैठे हैं जल्दी करें ये यहाँ पे खड़े हुए वो उधर से हम रोड से गुजरे हैं और इधर खड़े हैं उस रोड से इधर कैसे नजर आएगा अभी आइंदा के लिए सबक जब भी जाओ वेदर देख के जाओ उनके फोन से वेदर आता ही नहीं उनका फोन पीछे है वो कह रहे शाम अंदर जाके शाम 7 बजे बारिश आले के उन्होंने लिखा हुआ था मैंने खुद वेदर चेक किया चलो गीले हो गए ना चाबी का लगता है अच्छा ही बारिश अभी होनी है बादल अब सही आए हैं अब पूरा हफ्ता बारिश उसी के साथ टाइम हो जाता है अभी मैं जाने लगा हूँ जिम तो बस खाना शाना खा के मैं जा रहा हूँ जिम तो टाइम हो जाता है इस व्लॉग को एंड करने का। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मैं आपको मिलूँगा कल एक नए मज़ेदार अमेजिंग व्लॉग के साथ तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ये जो आवाज़ें आपको आ रही हैं ये अम्मी ने स्प्रे करना शुरू कर दिया मच्छरों को मार रही है बगैर उसके ऐसे तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें कल मिलते हैं एक नए मज़ेदार अमेजिंग ब्लॉग के साथ तब तक लिए अस्सलाम वालेकुम हाफिज़। ओए होए भाई साहब ब्लॉग तो एंड कर दिए पर ये नज़ारे तो मिस नहीं कर सकते थे ये देखें आप ये नारायण कगान कश्मीर मरी कश्मीर का नाम है कश्मीर मगरिब का टाइम इधर नमाज पढ़ने लगे थे का मौसम ठंडा बाहर पढ़ती हूँ ये देखे ना स्विमिंग पूल में देखो ना बारिश का पता चलता है उसमें करो ना
स्विमिंग पूल में तो वो देखे ना, ये तो एक दो बारिश में बाहर आ जाएगा पानी इस तरह। माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मौसम बहुत अच्छा है। और जब भी बारिश हो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए दुआ किया करें, और पहले सबके लिए करेंगे तो वो जल्दी कबूल होती है आपके लिए भी। तो बारिश में हमेशा अपने लिए दुआ किया करें, अपने बच्चों के लिए किया करें, और मुझे और जेबी को भी याद रखा करें अपनी दुआओं में। अल्लाह पाक सबके लिए रिज़्क़ हलाल की रेल पेल करे, अल्लाह पाक सबकी तंग दस्ती दूर करे, सेहत तंदरुस्ती दे, बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, कामयाब ज़िंदगी गुजारें, खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह पाक सब जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहन भाई हैं, सब के लिए अल्लाह पाक अपनी रहमतों की बारिश करे। जो जो किसी की परेशानी है अल्लाह पाक सब दूर करे, हमारी भी दूर करे। आप